गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 8 पोयम 3 मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। चलो बिफोर वी रीड स्टार्ट द पोयम, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन द पोयम। डू यू हैव अ पेट, क्या तुम्हारे पास पेट कैट है। हैव यू एवर नोटिस एनीथिंग मिस्ट्रियस अबाउट इट, क्या तुमने कभी देखा है कि उसके बारे में कोई अजीब चीज़ हो। इट इज़ ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज अ मिस्ट्री बट मैकेविटी इज वन फॉर श्योर। वॉट इज इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट, रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। लेकिन जो मैकेविटी कैट होती है जो बहुत ही मिस्टीरियस होती है, वो हमें ढूंढना है कि वो मिस्टीरियस क्यों होती है, जिसके लिए हमें पोएम पढ़नी पड़ेगी। तो लेट अस स्टार्ट द पोएम। मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट है जिसे हिडन पॉ के नाम से भी जाना जाता है, मतलब चुपचाप से जाती है, कोई आहट नहीं करती, कोई आवाज़ नहीं आती उसकी। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डेफी द लॉ। ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्कॉट डिस्पेयर, फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। और मैकेविटी ऐसी कैट है जो बहुत सारे क्राइम करती है लेकिन कभी पकड़ी नहीं जाती। जो फ्लाइंग स्कॉट होती है, मतलब पुलिस का पूरा ग्रुप होता है, सोल्जर्स होते हैं, वो भी उसे आके पकड़ नहीं पाते। वो उसने उनके नाक में दम करके रखा था, क्योंकि कहीं भी क्राइम होता है वहाँ पर पुलिस जाती है तो देखती है तो वहाँ पर कुछ मिलता ही नहीं है, मैकेविटी उधर होती ही नहीं है, उनको पता चलता ही नहीं कि ये क्राइम किसने किया है। मैकेविटी, देर इज नो वन लाइक मैकेविटी। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। मैकेविटी जैसी कोई कैट नहीं होती। मैकेविटी ने सारे ह्यूमन लॉ को ब्रेक किया है, मतलब हर एक लॉ ब्रेक करती रहती है लेकिन कभी पकड़ी नहीं जाती। और हिज पावर ऑफ लेविगेशन, लेविगेशन मीन्स हवा में तैरना, बिल्ली कैसे हवा में उड़ती है जैसे तैर रही हो, ऐसे उस तरीके से मैकेविटी कैट जंप करती है, जिसको देख के लोग देखते रह जाते हैं। लेकिन जब भी आप पहुंचोगे जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे तो कैट है ही नहीं, वहाँ पे मैकेविटी आपको दिखेगी, क्योंकि वो अपना काम खत्म करके निकल चुकी होती है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर। आप उसको ऐसे कहीं पर भी देख सकते हो, देखने को तुमको कहीं पर मिल जाएगी, बेसमेंट में, खुली जगह पे घूमती हुई, लेकिन जहाँ पे क्राइम होगा वहाँ पे आप उसको नहीं देख पाओगे क्योंकि वो वहाँ से निकल चुकी होती है। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आईज आर संकन इन, हिज ब्रो इज डीपली लाइन विथ थॉट, हिज हेड इज स्लाइटली गॉन। अब इसके फिजिकल लुक के बारे में बताया है, कैसा है वो, बहुत ही पतली सी लंबी सी कैट है, उसका जो हेड है वो डॉम शेप का है, मतलब ऊपर से गोल टाइप है, यहाँ पे दिख रहा है आपने हेड पहनी है उसने, यहाँ पे इस तरीके से उसकी आईज जो है वो अंदर की तरफ धसी हुई है, शंकन है मतलब अंदर की तरफ है, उस तरीके से उसका पूरा कैरेक्टर हुलिया बताया गया है। फिर आगे हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निगलेट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ब, ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक, एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ असलीप, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। और ऐसी कैट है, मतलब जो जिसके जो कोट जो पहना है वो थोड़ा बहुत धूल से मिक्स है, डस्टी है, मतलब गंदा कोट पहनती है, उसके जो विस्कर्स होते हैं मतलब जो बाल होते हैं कैट के, वो विस्कर्स कैसे है, अनकॉम मतलब ऐसे ही मुड़े हुए, कहीं भी जा रहे इस तरीके से, एकदम एक वे में नहीं है। और वो अपना फेस मतलब गर्दन इस तरीके से हिलाती है साइड पे जैसे कोई स्नेक चल रहा हो, ऐसे एकदम अजीब तरीके से अपनी गर्दन हिलाती है मैकेविटी कैट। और जब आपको लग रहा है कि वो सो रही है लेकिन तब वो एकदम जाग रही होती है। ओके, मैकेविटी, देर इज नो वन लाइक मैकेविटी, फॉर ही इज अ फ्लिंट इन फेनाइन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्परेटी, यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन अ स्क्वायर, बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड मैकेविटी इज नॉट देयर। और मैकेविटी उसके जैसी कोई कैट नहीं होती। और ऐसी कैट है, मतलब कैट की शेप में एक मॉन्स्टर है, वो क्राइम करती है और वहाँ से क्राइम करके भाग जाती है, कभी पकड़ में नहीं आती। आप उसे कहीं भी देख सकते हो, स्ट्रीट में, रस्ते पे, चौराहे पे, लेकिन जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ पे आप मैकेविटी कैट को कभी देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो अपना क्राइम करके निकल चुकी होती है। तो ये थी स्टोरी मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4।